नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यहाँ पर इमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स का स्थापना किया है। दोस्तों, ये जो इमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स है, ये किस तरीके से काम में आएंगे, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है या नहीं है तो भी आप इस इमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पर यहाँ पर लगाया गया है इमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स को, किस पर्पस के लिए लगाया गया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग कंपनी है वोडाफोन आइडिया कंपनी, और वोडाफोन आइडिया कंपनी बिल्कुल कर्ज से डूबा हुआ है। आज के डेट के अंदर 2,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज है वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर, और हर क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट $1 बिलियन से भी ज़्यादा का लॉस जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी इस जगह के अंदर कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना खराब कंडीशन है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया कंपनी डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया कंपनी ने यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड MSRDC के साथ पार्टनरशिप किया है। दोस्तों, मेनली मुंबई पुणे हाईवेज के अंदर हर 2 किलोमीटर बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी अपना इमरजेंसी कॉलिंग बूथ को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। देखिए, नॉर्मली क्या होते हैं कि अगर आप हाईवे के अंदर ट्रैवल करते हैं तो बीच में आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है। अगर आप कोई इमरजेंसी के अंदर फंस जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपको कोई भी पोलिंग स्टेशन, कोई भी कनेक्टिविटी स्टेशन यहाँ पर नहीं मिलता, तो अगर उस जगह के अंदर अगर फंस जाते हैं तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम के अंदर चले आते हैं आप। तो वहाँ पर किसी भी तरीके का मदद जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई पुणे के अंदर जा रहे हैं और उस जगह के अंदर किसी भी इमरजेंसी अगर आ जाते हैं तो मेनली इस पर्टिकुलर कॉलिंग बूथ्स की मदद से आप एब्सोल्युटली फ्री में आपका जो प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं, या ये जो MSRDC के साथ आप शेयर कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको मदद चाहिए तो आपको मदद भेजा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से सिंपली इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ये कॉलिंग बूथ को एस्टेब्लिश किया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने ये जो काम किया है ये काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है, और यहाँ पर मेक्श्योर करने के लिए यहाँ पर जो कॉलिंग मशीन को लगाया गया है इसका पूरे तरीके से जो मेंटेनेंस है वो मेनली MSRDC की तरफ से भी किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिम कार्ड का यूटिलाइजेशन किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर बाई तार की मदद से कनेक्टिविटी होता तो किसी भी कारण से वो तार डिस्कनेक्ट हो सकता था, उसी के साथ जो इमरजेंसी कनेक्शन से वो एक्टिव नहीं भी रह सकता था। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर सिम कार्ड को यूज़ किया गया ताकि 24/7 कनेक्शन यहाँ पर बरकरार रहे, और किसी भी टाइम किसी भी टाइप ऑफ इमरजेंसी अगर हो जाते हैं तो ये पर्टिकुलर कॉलिंग बूथ्स की मदद से आपका जो स्थिति है वो मेनली आप पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ शेयर कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं जितना जल्दी हो सके। तो ये काफ़ी बढ़िया काम जो है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से किया गया, और इसे देखकर आने वाले टाइम के अंदर बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो मेनली लोड के डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट कंपनी के साथ यहाँ पर इस तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो भारत का जो सेफ्टी है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ समय का तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।